हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के लास्ट लाइनें रह गई थी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर मिक्सर हार्प एंड हाइबर, ही विन द पावर्ड एंड लिटिल पेराफिन अपॉन द पिटन बाइटन ट्यू एंड द पुट एंड द मिच मैच टू इट। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its stings. My mother only said that God, the scorpion picker on me and spared my children. देखिए, एक एक लाइन को हिंदी में अनुवाद देखिए, हिंदी में ट्रांसलेशन देखिए इसका। ट्राई एवरी, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो वहां पे व्यक्ति आए थे, वो अपने हाथों में क्या क्या लेके आए थे? मोर लांटेंस, यानी और लांटेंस और लैंप्स, लांटेंस मोमबत्तियां, है ना। और नेबर्स, एक वर्ड यूज हुआ था नेबर्स। नेबर्स किसके लिए आया था? नेबर्स आया था गांव के लोगों के लिए, पीजेंट के लिए, है ना। वो लोग वहां पे आए थे, प्रत्येक के व्यक्ति के हाथ में एक एक कुछ न कुछ तो था, यानी किसी के हाथ में लांटेन था तो किसी के हाथ में मोमबत्ती थी, तो ऐसे वहां पे व्यक्ति आए थे। एंड ट्राइंग टू एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, और क्या कोशिश कर रहे थे कि ट्राइंग टू एवरी कॉस्ट, कि यह प्रत्येक क्या माँ के लिए अभिशाप साबित होगा, एंड ब्लेसिंग, या माँ को अभिशाप साबित होगा या कर्ष, यानी दुखी का। यानी ये कह रहा है कि इसमें दोनों वर्ड यूज है, कर्ष एंड ब्लेसिंग। यानी ये कह रहा है कि माँ को या पहले जन्म का, जो पहले जन्म में जो गलत किया था उसका क्या मिल जाएगा? कर्ष मिल जाएगा। अब जो आगे आने वाला है उसके लिए क्या मिल जाएगा? ब्लेसिंग मिल जाएगा, यानी उसके लिए वरदान साबित होगा। तो ये प्रत्येक, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा था कि एवरी कॉस्ट, यानी ऑल अवेलेबल कॉस्ट, प्रत्येक व्यक्ति वहां पे क्या कर रहा था? कुछ न कुछ कह रहा था, और व्यक्ति अपने अपने मुंह से कुछ अवेलेबल, यानी अवेलेबल वो भी उपलब्ध करा रहे थे कष्ट, है ना। क्या बोलते हैं कष्ट को? क्या मतलब? कहने का मतलब ये भी कह रहे थे कि कष्ट, यानी इस जन्म का माँ को अगले जन्म में क्या मिल जाएगा? ब्लेसिंग, यानी अच्छा साबित होगा। नेक्स्ट देखिए, पाउडर एंड मिक्सर्स हर्ब एंड हाइबर। अब देखो, उसका फादर वहां पे एंट्री की थी पहली बार, यहाँ पे लास्ट स्टेज में उसके फादर की एंट्री होती है। तो उसका फादर क्या कहता है? पाउडर एंड मिक्सर हर्ब एंड हाइबर। देखो, पाउडर, पाउडर होता है जिसको अपन पीस के मिलाते हैं, सफेद पाउडर, है ना। तो ऐसे पाउडर बनाया गया था। मिक्सर जिनको क्या कर लिया था? मिक्स कर लिया था किस किस को? हर्ब, हर्ब यानी तो जड़ी बूटियां, हर्ब यानी तो मेडिकल साइंस में हर जड़ी बूटियां ली जाती है, तो जड़ी बूटियां एंड हाइब्रिड और संकर प्रकार की कुछ दवाइयां थी, उन चीजों को मिलाकर क्या कर दिया गया था? पाउडर, उनको पाउडर मिला के मिक्सर, यानी सबको एक जगह कर लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसमें सेंटेंस में लाइन पाउडर आएगा, फिर मिक्सर, फिर हार्ब एंड फिर हाइब्रिड। तो आपको क्रम भी पूछ सकता है ओरिजिनल लाइन क्या है इसकी। तो पाउडर, फिर मिक्सर, फिर हार्ब एंड हाइब्रिड। तो आगे देखिए, ही इवन द पाउडर ए लिटिल पेराफिन, प्रत्येक चीज को प्योर उंडेल दिया गया, यानी जो दवाई उन्होंने बनाई थी उसके फादर ने, है ना, मेडिकल साइंस के रूप में, है ना, उनको क्या कर दिया? ए लिटिल पैराफिन, एक पैराफिन मिट्टी तेल के ऊपर उसको उंडेल दिया गया, यानी जहां पर बिच्छू बिच्छू ने वहां पे टो में काटा था, टो यानी उसमें काटा था, तो वहां पे क्या कर दिया? उस पैराफिन यानी मिट्टी का तेल, पैराफिन यानी क्या होता है? मिट्टी का तेल वहां पे डाल दिया गया था, मिट्टी का तेल डाल दिया गया अपॉन द बाइटन टू। अब देखो, कहां पे काटा गया था? अपॉन द बाइटन टू, यानी पंजे में काटा गया था। जहां पर काटा गया था पंजे में, वहां पर लेखक के पिता ने मिक्सर यानी मेरा पैराफिन मिट्टी का तेल, है ना, और जड़ी बूटियां को एक मिला के पाउडर करके उसपे डाल दिया, और ऊपर क्या कर दिया? मिट्टी तेल डाल दिया। अब देखिए आगे, एंड पुट द मैच टू इट, और उसने यहां पे क्या कर दी? आग लगा दी। क्या कर दिया यहाँ पे? उन्होंने यहाँ पे इस पे बरट कर दिया, यानी माचिस की तीली से आग लगा दी, है ना। नेक्स्ट देखिए, आई वॉचर द होली मैन। अब इसके बाद में एक होली मैन का प्रवेश होता है। देखो, अब पिताजी ने ये काम कर दिया, पिताजी का ये कार्य हो गया। अब इसके बाद में एक होली मैन आता है। कौन आता है? एक साधु होली मैन आता है। वो क्या करता है? उसकी क्या एक्टिविटी होती है उसके बारे में देखिए। आई वॉचर द होली मैन, यानी एक होली मैन को बुलाया गया, परफॉर्म हिज राइटेस, राइटेस का मतलब होता है संस्कार या राइट्स, यानी उसके उपचार। राइट्स यानी क्या होता है? उपचार। यानी एक होली मैन को बुलाया गया और उसने भी अपना क्या किया? उपचार किया। किसका? माँ का उपचार किया।
यानी हर व्यक्ति को बुलाया गया। ग्रामीण व्यक्ति अलग कुछ तरकना दे रहे थे, उसके पापा ने, लेखक के पापा ने, पिताजी ने कुछ अलग किया। फिर उसके बाद में एक होली मैन को बुलाया गया। होली मैन देखो क्या करता है, उसने राइट्स अपने अपने जो भी उसका उपचार था वो किया। देखो क्या करता है, टू टैम द पॉइजन विद द इनकेशन। टैम टैम यानी क्या होता है, कंट्रोल। यानी सबसे पहले तो उसने माँ के जहां पे उस काटा था उसको क्या किया, इनकेशन। इनकेशन यानी जाड़ा, क्या बोलते हैं, अंधविश्वास होता है ना, उसमें वो नीम की डाली से जाड़ा पोछा करते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, अंधविश्वास के रूप में जादू टोना, क्या बोलते हैं, जादू टोना, इसको हिंदी में बोलते हैं जादू टोना। तो उस एक होली मैन ने क्या किया, जादू टोना का कार्य प्रारंभ कर दिया है ना, और उसने माँ के झाड़ा लगाया है ना, और क्या किया, दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश। टैमिन क्या होता है, टैमिन होता है कंट्रोल, टैमिन क्या होता है कंट्रोल, और माँ के दर्द को कम करने की कोशिश की। आफ्टर द 20 आवर इट द लॉस्ट। लेकिन इन अभी वो ध्यान से समझना, यहां पर क्या ओलिमेन का राइट सफल हुआ, या पिताजी का उपचार सफल हुआ, या गांव का उपचार सफल हुआ। देखो सबने उपचार अपने अपने कार्य कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए तो किसी का भी उपचार यहाँ पे सफल नहीं हुआ था। ऑटोमेटिक क्या हुआ था, आफ्टर 20 आवर्स यानी 20 घंटे बाद इट इज लॉस्ट, यानी दर्द कम हो गया था। क्या हो गया, दर्द कम हो गया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि माँ का दर्द कब, कितने देर में कम हुआ, 20 आवर्स यानी 20 घंटे में माँ को होश आ गया। इट स्टिंग्स, और जहां पे स्टिंग्स यानी जहां पे वो काटा था उसका भी क्या होने लगा, दर्द कम होने लग गया था। माई मदर ओनली सेड, अब मेरी माँ को मतलब एकदम होश आ गया था, और कहा, माई मदर ने कहा, माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने कहा क्या, थैंक गॉड। किसको दिया पहले, सबसे पहले धन्यवाद भगवान को दिया। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि माँ ने सबसे पहले जब होश आया था तो किसे धन्यवाद दिया, गॉड को दिया, या पीजेंट को दिया, या होली मैन को दिया, या फिर उसके फादर को दिया। तो सबसे पहले दिया था थैंक गॉड या ईश्वर को धन्यवाद दिया, और कहा क्या, कहा कि द स्कॉर्पियन पीकर ऑन मी, कि बिच्छू ने मुझे काट लिया। क्या कहा भगवान से, कि बिच्छू ने मुझे काट लिया, एंड स्पेयर माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे को बचा दिया। तो देखो यहां पर ये लाइन है ना, ये लाइन कवि की, यानी कवि की माँ अपने लव बच्चे के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति लव के बारे में अट्रैक्टिव करती है। तो ये कहती है इंडियन फैमिली में मदर्स का कितना रोल होता है, अफेक्शंस ऑफ द फैमिली अगेंस्ट हिज चिल्ड्रंस, उनके बच्चों के प्रति कितना प्यार प्रेम होता है, इसके बारे में ये पोएम इंडिकेट करती है। तो इसी प्रकार अपन इस पोएम को आज यहाँ से फिनिश करते हैं। इसके बाद में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में आपके पास एक्सप्रेस करेंगे। तो इसी बात को कहते हैं मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माई वीडियो। ओके।